तो वो चीज क्या है आप लोगों को पता है? वो चीज है मर्डर करने का सामान है। आप लोगों को तो पता ही होगा यार, मेरा तो थोड़ा बहुत बाबू भैया जैसा ही बोलता हूँ। एक्सा का घास है क्या? यस नहीं है ना? तो मैं वहां से रोज तोड़ती हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू व्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। मैं तो भाई बहुत बढ़िया हो गया, मुझे पता मेरा ब्लॉग में हमेशा अच्छा और मजे में रहते हैं। सो बॉयज, आज ब्लॉग का शुरू कर रहा हूँ घर से। जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरा घर है। एंड गाइस, बहुत ही दिनों बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज हो गया है, मतलब 2 वीक हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा मूड अच्छा नहीं था, तो इसके कारण मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। एंड गाइस, ब्लॉग नहीं डाला इसके लिए दिल से सभी को सॉरी। अब से मैं ट्राई करूंगा कि हर अल्टरनेटिव डे में मैं ब्लॉग अपलोड करूं, एक ट्राई करूंगा जस्ट। गाइस, मैंने प्रॉमिस नहीं किया या फिर कुछ आपको वादा भी नहीं किया, जस्ट ट्राई करूंगा। एंड गाइस, मैं ना सोच रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम राज सुनार हटा के लेट ब्लॉग रख दो, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड गाइस, कभी कभी तो मैं यूट्यूब से गुम ही हो जाता हूँ, तो ऐसा टाइप का सीन होता है। और गाइस, आप लोगों को पता ही होगा द UK07 राइडर जो है हम लोग का बाबू भैया, उन्होंने 2 मिलियन में एक बाइक गिव अवे करने वाले थे, बट उनका 2 मिलियन इतना फटाफट हो गया है कि वो टाइम ही नहीं मिला उनको गिव अवे करने के लिए। तो उन्होंने अभी 18 सितंबर उनका बर्थडे, तो तभी वो बाइक गिव अवे करने वाले। एंड गाइस, उनका न्यू सॉन्ग जो है कर्मा, तो वो भी रिलीज़ करने वाले उस दिन। एंड गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, बिकॉज बाबू भाई ने कहा कि वो जो लक हिसाब से किसी को बाइक देने वाले नहीं है, तो उनके लिए जो अच्छा सा जिसका अच्छा मतलब स्टोरी टेलिंग या फिर कैसे इंस्पायर हुआ उनसे, वो अच्छे से बताएंगे, वो उनको बाइक गिव अवे करने वाले, तो ऐसा टाइप का सीन है। एंड गाइस, उन्होंने शायद आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा वाला चैनल में उन्होंने बोला था। ये वाला चैनल जो आप लोग देख रहे हो बाबू भैया बोल के, उनका जो हैशटैग है #UK07 कर्मा, वो हैशटैग लगा के अगर जो अपलोड करेगा एंड हैशटैग बाबू भैया बोल के, तो उनका भी अच्छे से अच्छा व्यू जाता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक व्लॉग बनाऊँ और जे कैसे इंस्पायर हो बाबू भैया से। एंड गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा यार, मेरा थोड़ा बहुत बाबू भैया जैसा ही मैं बोलता हूँ या फिर जो भी समझो, मतलब थोड़ा बहुत है, बिकॉज मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइस, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं बाबू भैया का व्लॉग किस तरह से देखता हूँ। आप लोग अगर यकीन नहीं हो गए तो गाइस ये चेक कर सकते यार, मतलब एक भी ब्लॉग मिस नहीं है, सब ब्लॉग में दिखता हूँ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वो, बिकॉज वो मतलब जिस तरह के से बोलते हैं और जिस तरह का मतलब एक पर्सनालिटी है ना उसके, एटीट्यूड टाइप का, मतलब एटीट्यूड नहीं है बट जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइस, उनका जो मतलब स्ट्रगल है वो तो मैं देख के आ रहा हूँ ना, बट जब उसका उनके पास KTM था एंड उसके पास जीनोसो आया और टेनर लिया, अभी हायाबुसा है एंड गाइस STV लेने वाले, तो वही सीमेंट, बट उनका बारे में अभी क्या ही बताऊँ। एंड गाइस, आप लोग ये मत सोचे कि मैं न्यूज़ दे रहा हूँ आपको बाबू भैया का, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो इसके कारण मैं बोल। एंड गाइस, आप लोग भी कमेंट करें जब मैं बाइक गिव अवे वाला वो वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ, तो अगर आप लोग बोल दे तो बनाओ, तो हम 100% बनाएं एंड नेक्स्ट ब्लॉग वो उसी में आएगा। तो वही सीन में अभी फटाफट घर जाते हैं एंड घर में भी थोड़ा बहुत काम चले वो भी आप लोगों को दिखाते। अभी ना आप लोगों को एक बंदे को दिखाने वाला हूँ जो मेरा ब्लॉग में आना नहीं चाहते है वो। सो ये देखेगा इस कालू को, ये तो मेरा बेटो। कालू हाय बोल दो। देखेगा इस, वो मेरा ब्लॉग में आना नहीं चाहता और इग्नोर करके चला गया। एंड गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ, घर का सीन बता देता हूँ। घर में हो रहा है थोड़ा सा काम। एंड गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कीचड़ वीचड़ होता है ना, तो अब से यहाँ पर किचन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर अभी ढलाई करने वाला है, तो वही सीन में। सो हेमलो जी, घर का सीन तो आप लोगों ने देख लिया होगा, घर में चल रहा है थोड़ा सा काम। एंड गाइस, आप लोगों को पता है विजय भाईजान के साथ तो मैंने बहुत दिन हो गया, हम लोगों ने मीट भी नहीं किया, व्लॉग शूट भी नहीं किया, तो आज विजय भाईजान आने वाले, तो अभी फटाफट घर जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, बिकॉज आप लोग देख सकते हो यार गर्मी में हालत खराब है, तो घर जाते हैं एंड फ्रेश होके आप लोगों से बात करते हैं। सो बॉयज, बढ़िया से मैंने नाम वाले जैसे आप लोग देख सकते यार, एंड जसना भाईजन का कॉल आया था, और गाइस भाईजन भी हम लोग का जहाँ पर भाईजन मुझे लेने के लिए आते हैं वहाँ पर भाईजन पहुँच चुके हैं, तो जाते हैं, बिकॉज आप लोगों को पता है आपका राज भाई बहुत ही ज़्यादा लेट करता है, और बहुत दिनों बाद भाईजन मिलने के लिए आए, तो भाईजन को वेट नहीं कराते, तो फटफट जाते देन भाईजन के साथ जाके आप लोगों से बात करते हैं। सो हेमलो जी, जैसे आप लोग बताया था भाईजान मुझे लेने के लिए आते हैं जिस जगह पे, वहाँ पर भाईजान पहुँच चुके हैं और यस मैं भी पहुँच चुका हूँ भाईजान के वहाँ पर। सो ये रहे भाईजान। सो व्हाट इज अप भाईजान, कैसे हो? बढ़िया यार।
एकदम बढ़िया ना, बाकी सब बढ़िया है। आपका तो ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो गया है, एकदम बढ़िया से। चलो मैन, अभी तो भाई जान पार्टी देना पड़ेगा हमको। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। सो बहुत दिनों बाद भाई जान के साथ आज से ब्लॉग बना रहा हूँ। कैसा लगा भाई जान इतना दिन के बाद मेरा ब्लॉग में आके? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई जान अपना जो है तुम ब्लॉग ही नहीं डाल रहे थे, तो बहुत मतलब कैसा लग रहा था कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया। तो हम लोग का जैसे कि 2 वीक से ज्यादा हो गया, बात भी नहीं हो रहा था। हाँ, तो फिर मतलब कभी कभी मैसेज मतलब तो बात भी नहीं हो रहा था, कभी कभी मैसेज करते थे, फिर कुछ ऐसे हाय हेलो, तब तो फिर मतलब उतना बात नहीं। मैसेज में अक्सर कैसा बात होता है, जस्ट नॉर्मल बात ना। बोल रहे थे कि कुछ क्रिकेट मैच है कि नहीं भाई जान? क्रिकेट मैच है ना, थोड़ा सा भाई जान रील्स बनाएंगे, भाई जान को देख सकते एकदम फिट पैट होके। भाई यस, आप लोग नोटिस किया, मैं तो अक्सर एक ही ड्रेस में रहता हूँ, बट भाई जान जब भी जितना भी ब्लॉग में सब दूसरा कपड़ा। भाई अरे भाई अभी दूसरा कपड़ा, अभी तक आप कोई भी ब्लॉग में नहीं पहने थे ये वाला। हाँ, आपको लगता है पर हम तो यही सुनते हैं। सो गाइस, अभी फटाफट जाते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं आप लोगों को बता दे देते हैं। तो चलो सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। आप लोग का भाईजन को पूरा हंस रहे, खेलोगे ना आप? हाँ। चलो भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे दो टीम है, बड़े लोग तो हम लोग को खेलने नहीं देंगे, तो छोटे लोग के साथ ही खेलेंगे। वो हम लोग को खेलने दोगे ना भाई? देगा ना? तो हम लोग को एक टू भाई लोग खेलने दे रहा है, तो अभी भाई लोग के साथ खेलेंगे बढ़िया से। तो भाई देखते हैं, अभी जिस टीम पे मिलेगा खेलने के लिए वहीं पे घुस जाएंगे। और हम लोग का राज भाई कुछ बोलना चाहते तो बोलो भाई। सुबह जैसे कल पता है हम लोग का पहुंच चुके स्टेडियम, जैसे कि विजय भाई ने तो बोल दिया, और यहाँ पर सभी लोग है और मोती भैया वहाँ पर है। सो गाइस, यहाँ पर है हम लोग का मोती भाई। है मोती भाई, गुड, इधर देखो। घंटा जितना बार भी आपके साथ ब्लॉग बनाते ना, सब कुछ मैंने वो ब्लॉग ही में नहीं डालता, बट ये वाला ब्लॉग डालेगा। कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलेगा भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद खेलने आए भाई, थोड़ा बहुत हमला होगा यहाँ में। हमला होगा, राहुल भाई भी है, विजय भाई जान, तो ये बस कहना था। और वीडियो आप लोग का अभी वीडियो डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। डेली ब्लॉग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस यही बोलना। चलो, आप लोग का राज भाई का चिंगुली का मैं जैसे कि मोती भाई ने बोल दिया कि हम डेली ब्लॉग नहीं करते और वो भी वेट करते, तो इसके कारण आपसे आप लोगों के कारण गाइस मैं डेली ब्लॉग बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ट्राई मतलब डेली ब्लॉग में क्या होता पता है ना, बिकॉज मेरा लाइफ उतना भी गॉर्जियस नहीं ना, तो जो भी दिखाओ आप लोगों को अच्छा लगेगा, वैसा टाइप का हमको नहीं लगता कि आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा जो डेली लाइफ स्टाइल है। तो इसके कारण थोड़ा सा मैं कंसिस्टेंसी बनाया था, बट वो मैंने फिर ख़त्म कर दिया। तो वैसे में अभी हो सके तो फिर से ट्राई करेंगे डेली ब्लॉग डालने के लिए। चलो भाई जान, अभी करने वाला है करतब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओ पैसा मार, दो एक रुपए। तो हेमलो जी, अनदर सेम ब्लॉग गाइस, कल वाले ब्लॉग मैंने बीच में छोड़ दिया था। एंड गाइस, घर का सीन बता देता हूँ, घर में जो काम चल रहा था वो हो चुका है कंप्लीट गाइस, देख सकते हो। एंड गाइस, अभी का सीन ये है कि गाइस अभी मम्मी जी ने मुझे भेजा है मालेगांव, तो मालेगांव जाना पड़ेगा। एंड गाइस, मेरे साथ जाने वाले सरिका, तो अभी जाते हैं सरिका को मिलते हैं, देन आपके साथ बात करते हैं। सो व्हाट्सअप, एकदम मजा रहा, मस्ती एकदम। तो कैसा लग रहा है फिर से आके मेरे ब्लॉग में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। कहाँ पर ले जाने वाले मेरे को वो बता। वो मैं नहीं, वो तो आप लेके जा रहे हो ना, मैं कहाँ। अरे मैं तो कहीं पे लेके नहीं जा रहा हूँ गाइस। गाइस वो मुझे बता रहे कि आज भाई तुमको बिरयानी खिलाना पड़ेगा। भाई मेरे पास कितना है पता है, देखो दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, 50 रुपीज में क्या भी, ये तो भाई 30 रुपीज का। क्या बोला था घर में वो बदल दिया? अरे कहाँ यार, 50 रुपीज लेके आया तो दिखाया था तुमको। क्यों लेके आया तुमने पे, क्या पैसा का घास है क्या? यस नहीं है ना? तो मैं वहाँ से रोज तोड़ती हूँ भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी
सुबह से अभी फटाफट मालिक हो जाते हैं और जो काम दिया था मम्मी जी ने वो काम कर लेते, उसके बाद सीधा रेलवे स्टेशन में जाके आप लोगों से बात करते। सो बॉयज जसना होके हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे साथ है सारिका। सो कैसा लगा भाई आके? अच्छा लग रहा है, खुली खुली वादियां जगह, वाओ। आप लोगों को पता है मम्मी जी ने मुझे कुछ लेने के लिए भेजा था मालीगांव। सो वो चीज क्या है आप लोगों को पता है? वो चीज है मर्डर करने का सामान है। किसको मर्डर पता है? चूहे का मर्डर। दिखा दो। ये गाइस देख सकते हो भयंकर, हम लोग के घर पे इतना ज्यादा चूहा दौड़ता है ना, क्या ही बताए। तो इसके कारण आज चूहे को तो खेल नहीं खेल खल्ला।